गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोती भैया। मेरा नाम है गौतम। आज है 10th जुलाई। आज है 10th जुलाई और अभी मेरे हाथ में है अन्ना प्रसाद का टिकट। मेरे पापा रथ यात्रा कमेटी के मेंबर है और उनको मैं बोला था सुबह कि आज अन्न प्रसाद खाने का मन हो रहा है, तो बस मन हो गया। मतलब जाके खाने का मन को इच्छा को फुलफिल करने का है भाई बस। तो अभी मैं जाऊंगा, अभी बजा है 1:15, अभी निकल जाऊंगा। तो अभी बस आपको दिखाऊंगा क्या क्या आइटम बनाए हैं। आज बहुत हकला रहा हूँ मैं तो क्या क्या आइटम बनाए हैं। तो बस 30 रुपये में टिकट है, 30 रुपये। अगर आप पार्सल लेके आएंगे घर पे तो 100 रुपीज, और आपको कैरेज लेके जाना पड़ेगा खुद का। और 30 रुपये में क्या क्या देंगे आपको दिखाऊंगा। बड़ी मस्त खाना मिलेगा, फुल ऑफ क्वान्टिटी, फुल ऑफ टेस्ट और प्रसाद। एक साल में तो आप ये बस दिन 7-8 दिन ही खाने को मिलेगा तो ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। और नहीं, हम पापा टिकट लेके ही आएंगे कि प्रसाद खाने के लिए। तो बस चलो चलते हैं, मैं अपना गाड़ी निकालूंगा अभी। बस आ गया मैं मंदिर और उस साइड जाऊंगा तो वहाँ पे प्रसाद बंट रहा है। और दिन में भी भाई हमारे यहाँ पे तो दिन में भी पूरा भीड़ जमता है। अंदर जाके आपको भीड़ दिखाता हूँ, अभी थोड़ा लाइन कम है। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे खाना बन रहा है और ये पूरा भीड़ आप देख सकते हैं। खाने के बाद मिला मुझे प्रसाद और आप देख सकते हैं क्या क्या खाया मैंने, खाऊंगा। और आप भीड़ भी देख सकते हैं। पूरा मंदिर। चलो प्रसाद खाने मैं आ चुका हूँ, अभी घर पे आया हूँ। तो बस और तो अगर आप लोग मतलब मैं तो दिखा क्या क्या खाया, फिर से बता रहा हूँ क्या क्या खाया हूँ। जीरा राइस और उसके ऊपर दाल, फिर साइड में मीठा खिचड़ी कह सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पे बोलते मीठा पुलाव टाइप का। और हमारे यहाँ पे जो कोई भी फंक्शन होता है तो एक कॉमन डिश जरूर बनता है, वो है घंटा तरकारी। उड़िया में घंटा बोलते हैं, जो कि आलू बैंगन और जितना भी सब्जी वेजिटेबल है वो डाल के एक मस्सा बनाते हैं। और क्या कॉर्न वगैरह देखे होंगे आप। और एक है पटोड़ो, कौन बोचुंदे वो नहीं पता मुझे अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, पटोड़ो तरकारी उड़िया में बोल रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता आइटम हिंदी में प्रॉपर, उसको इंग्लिश में भी क्या बोलते मुझे नहीं पता, छोड़ो। तो आप फोटो में देख सकते हैं। फिर खीर तो भाई फेवरेट है भाई, पेट भर के खाया, यहाँ तक खाया हूँ, मस्त से खाया। और जिसको भी ये खाना चाहिए प्रसाद खाइए। आप 30 रुपीज़ में वहाँ मंदिर के बाजू में ही आपको टिकट काउंटर दिखेगा, वहाँ पे आप 30 रुपीज़ में टिकट खरीद सकते हैं। बस इतना ही था। अब फैमिली के साथ अभी 2-3 दिन में, अभी परसों मेरा दोस्त का शादी है, मैं जाऊँगा, वो भी ब्लॉग बनाऊँगा। फिर एक अच्छा सा रथ यात्रा वाला फैमिली वाला दिखाऊंगा, वीडियो ब्लॉग बनाऊंगा। तो बस इतना ही था, मस्त से खाना खाया। आई होप यू गाइस विल लाइक माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ, जय जगन्नाथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।